भाई और बहनों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता, झटकनी पड़ती है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तो मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और अगली दो पंक्तियों पर उठाइए, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं कि शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो उस ईश्वर की कृपा आप सब पर रहे। मैं पहले कवि के रूप में मेवाड़ के राजसमंद के उस मुस्कुराते ठाकेदार कवि को, जिसने आपने लाफ्टर में भी कई बार देखा है, वो कई चैनल्स पे आता है, कई बार आया है, रात को कई बार डिस्कवरी पे भी आता है, उसमें आप देख नहीं पाते हैं, सुनील व्यास यहाँ पर है। बड़ा प्यारा लड़का है, बहुत मनहर, और इसे कल कहाँ जाना है तुझे, लंबा कहीं जाना है दूर, इसे है पटना जाना है इसे, ये तो कवि है जो पटना जा रहा है। एक बार एक कवित्री बुला ली थी मैंने, अगले दिन पटना कार्यक्रम था, मैंने कहा कल का क्या प्रोग्राम है, बोले पटने जा रही हो। मैंने कहा इसके लिए इतनी दूर जा रही हो, पटने कहाँ गए, पटने, तो ये कल पटने जा रहा है। तो सुनील व्यास का एक बार स्वागत करिए, जोरदार तालियां बजाकर सुनील। इसका इको बंद कर दो बॉस, इसका इको बिल्कुल बंद कर दो। मेरा एक दोस्त सलीम जो गजल वजल गाता है, अच्छा, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा भाई इको बंद क्यों करवाया, बोले भाई इको में तीन तीन आवाज आती है। मैंने कहा कैसे, जैसे हलो हलो हलो, सुनील सुनील सुनील, तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ, बोले भाई गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं पालनी, मस्त रहना, कोरोना के बाद की जो बोनस की जिंदगी मिली है हंसते हुए रहना, ठाके लगाते रहना, आनंद लेते रहना था। वाह, और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, और जिस जिस ने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी वो मुझे जानता है, कथा में आता है। अच्छा, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था वो मैं ही हूं। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने, पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करूंगा नहीं, है ना, अपन लोग, मैं यहाँ मीरा जिसने द्वारकाधीश में समा गई, लेकिन वो आई कहाँ से, मेरे मेवाड़ से आई होगी। ज्यादा वधारे टेंशन पाल वालों ने गुजराती में बोलू समझी जैसे, तो बता ने खबर पड़ी जैसे ना, એટલે એમને બંને હાથ ઉઠાઈને મને તાળી વગાડો ત્યારે ખબર પડે। ના ના, મેં તો હિન્દી મેં સુના રહા થા। पाकिस्तान पाकिस्तान के टेंशन, अपन गरबा नाचते हैं ना, मंत्री जी बैठे हैं, भाई साहब हम लोग गरबा नाचते हैं, है ना, और गरबे में क्या आता है, जगदम्बा के सामने नवरात्रि में पाव ले लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे हैं वो लोग। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मेरे आदरणीय भैया साहब ने, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, माँ शारदी की वंदना की चार पंक्तियों से, मैं पंडित आदमी हूँ, गणेश जी की वंदना करूंगा। मैं चाहूंगा उस गणेश जी की वंदना में पूरा तलवार आगे से लेकर पीछे तक मेरा साथ देना, साथ दोगे ना, लीजिए मैं गणेश जी की वंदना शुरू करता हूँ, ऐसे सुर मिलाना पड़ता है बीच में। बोल गणेश जी महाराज की, अपनी वंदना खत्म, इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं पालना, मेवाड़ी आती मारवाड़ी आती बहुत, और गुजराती मेवाड़ी इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं है, पिताजी ने बचपन में समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की, देवे तो ठीक नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं,
और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। अपन तो इंटेलिजेंट लोग हैं। अच्छा आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले में भिखारी तक आने से डरता है। अच्छा सही कह रहा हूँ? एक दिन गलती से भिखारी आ गया भाई साहब, दिन में 12 बजे और शुरू हो गया, ओ बहन जी। अच्छा भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, कभी काम नहीं पड़ा मेरा ऐसे पहले। बहन जी ने खिड़की खोली, आज का ढंग से कर दे पर करना पड़ेगा। बहन जी ने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ है। बोले घी लग रहा है? ला दे घी लगा के लाती हूँ। वो रोटियों का बंडल ले गई अंदर, गेट बंद, 1 घंटे तक वापिस बांधनी है। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने। वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं B का मॉनिटर था। 8वीं B मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। मेरे गुरुजी ने बताया मंत्री जी, बोले बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था राजसमंद झील में, बोले निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जाओ भाई। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, बाहर निकलना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। मेरे बाप निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ वो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। सही कह रहा हूँ बाबूजी, आप हंस रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, इस उम्र में आप मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, गाड़ी से या बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में अगर बूढ़े लोग बजे बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए उस घर से बड़ा अमीर कोई नहीं। गुरु जी ने बताया मेरे को, बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया। ताली बगाड़ो ना तो सांप यहां जैसे। मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया, डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। सही कह रहा हूं मैं आपको, मैंने कह रहा ना जब इतना पढ़ लिया मैंने 4-4 बार 8वीं क्लास का मॉनिटर, तो जिला शिक्षा अधिकारी आए हमारे पास एजुकेशन, बोले बेटा हमारे साथ चला करो स्कूल चेक करने, हम विद्वान लोग की प्रॉब्लम है, हमें जाना पड़ता है। मैं स्कूल चेक करने गया एकदम गांव खेड़े की स्कूल, जाते मैंने छोरे से कहा, लड़के से, मैंने कहा छोरा खड़ा हो रहा, 2 का पावड़ा सुना, 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो लड़का खाकी हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया, बोले बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बेटा। बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बेटा, बोल डर मत, बोलू? एक थप्पड़ पड़ गई, बोल नहीं आता। हमका क्या कॉन्फिडेंस है यार। मैंने दूसरे लड़के से पूछा 8वीं क्लास का, मैंने कहा तू सुना 2 का पहाड़ा, वो इंटेलिजेंट था, शुरू हो गया, बोले डो एटम डो, डो डूनी डाल, डो टेटे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है भाई साहब, 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, हेडमास्टर जी को, जल्दी आओ पानी में खराबी है, बच्चे सब तोतले हैं। हेडमास्टर जी बोले हाँ हाँ। मैं सही कह रहा हूँ, मैं खुद स्कूल में फिजिकल टीचर, सातों वेतन आयोग लग गया, 70,000 तनख्वाह, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और आप जानते हो मंत्री जी, हम मार साहब, हम मास्टर जी का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? मुद्दा लाल। मजा आ गई ताली वाला ना यार, एम नहीं चले। मैं 15 अगस्त के दिन बैठा था, बोले संचालक ने बुला लिया, बोले हमारे बीच में सुनील जी बैठे हैं, 2 शब्द सुनाएंगे, अपने को तलब लग गई, लेकिन भाषण दे दिया। और क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है,
लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर सदा भारत में ही रहेगा, ये यहां से वहां नहीं जा सकता, झटकनी पड़ती है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अरे ताली मत बजा उड़ जाएगी उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है? नहीं, पाकिस्तान आते ऐसे यूं बोलना चाहिए। उसको हम चिमटी में दबा देंगे, हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांत तले उंगली दबाएगा।